हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर और आपके बीच में दूरियाँ कब तक ख़त्म होंगी। ओके, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, सेपरेशन कब तक ख़त्म होगा। ये एक जनरल रीडिंग है, ओपन माइंड करके आपको देखनी है। ओके, और सभी जोडियक साइन के लिए हैं। टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ठीक है, जब भी आप कोई रीडिंग देखें एकदम पॉजिटिव होकर देखनी है और नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीते रहना है, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। लाइफ है, समय बदलता रहता है, एक जैसा समय कभी नहीं रहता है, बस हम घबरा जाते हैं। जब देखो अच्छा समय होता है ना, हम कितना खुश होते हैं, बहुत खुश हो रहे होते हैं हम। ठीक है, तब तो हमें एतराज़ नहीं होता ना, ऊपर वाले पे गुस्सा भी नहीं होता है, कोई शिकायत भी नहीं होती। लेकिन उसके अपोजिट जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, हम बड़े उदास परेशान हो जाते हैं, ऊपर वाले के साथ भी झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, सभी पे गुस्सा उतारने शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, आप अपनी लाइफ में और ब्लॉकेजेस क्रिएट करोगे। आपको हमेशा सोचना है ये वक्त भी मेरा नहीं रहेगा, ठीक है, मेरी ज़िंदगी में वापस खुशियाँ आ जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सोच के ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ाते रहना है खुद को। ठीक है, चलिए। और अपने कर्माज हमेशा क्लीन रखने हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना है। हमेशा सोच के चलना है कि हमारी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किसी का मन उदास नहीं हो, कोई दुखी ना हो। ठीक है, चलिए। स्पिरिट ऑफ डिवाइनली गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स के पार्टनर और उनके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, सेपरेशन कब तक ख़त्म होगा। ठीक है, हमारे पास दो कार्ड्स आए हैं, द हर्मिट एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, द एम्परर। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो सेपरेशन चल रहा है उसका सबसे बड़ा कारण आपके पार्टनर खुद ही हैं। सच्ची फालतू के दिखावे वाला ईगो है, उन्हें लगता है मैं ही सब कुछ हूँ, सारे स्यापे पा लेते हैं। और ना जब डरते हैं, घबरा जाते हैं ना, तो फिर एकदम ऐसे भोले से हो जाएंगे कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, मतलब कोई गलती ही नहीं है उनकी। तो ये एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। ठीक है, चलो। आपके और आपके पार्टनर के बीच में से दूरियां कब ख़त्म होंगी, री यूनियन कब होगा, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक ख़त्म होगी। हाँ, देखते हैं। ओके, एम्प्रेस। आप जितने ज़्यादा इमोशनल हैं आपके पार्टनर उतने ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, उतने ज़्यादा गुस्से वाले हो सकते हैं। आपके अंदर उतना ही दिखावा कम होगा जितना आपके पार्टनर में दिखावा ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन पता है आपके पार्टनर की एनर्जी जिस तरीके की है ना, उन्हें कोई भी बुद्धू बना जाता होगा। वो ओवर स्मार्ट बनते होंगे ना, उन्हें कोई भी बुद्धू बना जाता होगा और वो सारा फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर आके निकालते हैं। और देखिएगा जब वो रिलेशनशिप में वापस आएंगे ना आपके पास, क्योंकि उन्हें आना तो है ही, वो सारी गलती आपके बता देंगे कि तुमने उस दिन ऐसे कहा था, उस टाइम पे तुमने ऐसे रिएक्ट किया था, इसी वजह से मैं चला गया, चली गई। सारी गलती आपके बता देंगे और आप सर पकड़ लोगे अपने की ये इसकी तबीयत ठीक है या कुछ प्रॉब्लम है इसके दिमाग के साथ। ऐसी एनर्जीज हैं सीरियसली, आज आपके पार्टनर की बड़ी अलग सी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। उन्हें लग रहा है कि आप उनके पास जाओ, माफ़ी वाफ़ी मांगो, उनको मनाओ, पर ऐसा करने की ज़रूरत है नहीं। वो इतना मिस कर रहे हैं आपको कि वो खुद ही आ जाएंगे यहाँ पर आपके पास। ठीक है ना, उनको इसी एनर्जी में रहने दो, अपने आप को बस कंट्रोल करो थोड़ा सा, एस ऑफ सॉर्ट्स। बड़ी फ़नी फ़नी सी एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की आज। उनको ना ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि गलती वो करें और माफ़ी सामने वाला मांगेगा।
टू ऑफ वांड्स, ओके। हो सकता है आप लोग अपने पार्टनर के साथ सोशल मीडिया पे मिले हैं, आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आपके रिलेशनशिप को। उन्होंने हर जगह से ब्लॉक कर दिया तो आप उदास परेशान हो गए, आपने अपना अकाउंट भी हटा दिया, आपने अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया, आपने गुस्से में उन्हें भी ब्लॉक कर दिया, ये सब एनर्जीज़ चलती रहती हैं। तो ये जो कम ज़्यादातर जो लोग नेगेटिव हो जाते हैं मेरे व्यूवर्स, सोशल मीडिया के कारण होते हैं। उसने तो ऐसी फ़ोटोग्राफ डाल दी, वो तो मेरी बिना खुश है, ये सारी चीज़ें करना छोड़ दीजिए, ठीक है। इससे आप लोग नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं और फिर ब्लॉकेजेस खुद से क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। देखो वो कितना ज़्यादा सोच रहे हैं, एक बस प्यार ऑफर करने के लिए भी वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बॉटम की एनर्जी है कि आपको जो आपके पार्टनर ने कहा है कि तुम ऐसे हो या तुम ऐसी हो, वो सारी एनर्जीज़ आपके दिल दिमाग में अभी तक बैठी हुई हैं कि आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो। सेम एनर्जीज़ आपके पार्टनर की हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया तो वो रात को सो नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा गिल्ट में है कि अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। बस वो ईगो की वजह से आपके पास नहीं आ रहे। कब तक दूरियाँ ख़त्म होंगी, रीयूनियन कब तक ख़त्म होगा? आगे बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर, स्लो एनर्जी है, बहुत जल्दी वाली एनर्जी नहीं है। गाइडेंस मिल रही है उन्हें गॉड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, उनके किसी फ्रेंड की तरफ से, ऊपर वाला किसी को भी भेज सकता है आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लाने के लिए। आप जिस बात पे चल रहे हो, आप अपनी लाइफ में सही चल रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर अभी सभी से झगड़ा करने के मूड में बहुत ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ हो तो भाई वहाँ से बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं उनका। वो एक ही रुकावट मुझे यहाँ दिख रही है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको प्यार नहीं ऑफर कर पा रहे, बाकी कोई भी यहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इवन अगर आपको थोड़े दिन में पता चलेगा या पता चल गया होगा कि वो एक स्टेप आगे ले चुके हैं, बस वो जो थर्ड पार्टी है, कंट्रोलिंग एनर्जी, उनका ईगो भी हो सकता है, उस सब की वजह से वो थोड़ा रुके हुए हैं, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पर। बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपको प्यार ऑफर करेंगे और आप बहुत अच्छे से आपके पार्टनर से गिफ्ट है, प्रपोजल है, रीयूनियन है, सब रिसीव करेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ यहाँ पे आपके पार्टनर जो भी लोग फोटोग्राफ देखकर लव वाइब्रेशंस भेजते हैं, एफर्मेशंस यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं, वो ये भी अपने पार्टनर के साथ टेलीपैथी थ्रू कर सकते हैं कि उनका ईगो कम करिए, ठीक है, कि उनका तुम्हारा ईगो कम हो गया है मुझे लेकर और सभी को लेकर, ठीक है। बस ईगो मुझे यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहा है, बाकी आपके पार्टनर आपको ऑफ़र करने के मूड में है कि वो आकर वापस आपके साथ इस रिश्ते की नई शुरुआत करें। पेज ऑफ पेंटिकल है, वो ये जानते हैं कि ये रिश्ता ऐसा है कि मैंने टाइम लगाया या छोड़ दिया इस रिश्ते को तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। उन्हें ऐसा लगता है कि उनमें ज़्यादा ईगो है, उनका ईगो सबसे बड़ा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अगर आपने ईगो दिखा दिया तो आप उनको फिर छोड़ते हुए 2 मिनट नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए सिर्फ आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनका गुस्सा बर्दाश्त करते हैं, उनकी जो भी अजीब वाली एनर्जी, बहुत अजीब एनर्जीज़ है, वो सिर्फ आप ही हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं, आपको पता है कि मुझे चीज़ों को ठीक करके कैसे चलना है, मुझे इस रिश्ते की जिम्मेदारी कैसे पूरी करनी है, मुझे अपनी लाइफ को कैसे जीना है, या आपकी एनर्जीज़ हैं। और ये एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के आपकी तरफ आपको पॉजिटिव करती है और आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं आपके पार्टनर को। इस बार जो भी ब्लॉकेजेस है, ईगो वगैरह हैं, थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग एनर्जी को दूर करके आपके पार्टनर एस ऑफ सोर्स की एनर्जी में आएंगे, कमिटमेंट देंगे ही देंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे आप कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट मत करना कि पता नहीं आएगा तो वापस नहीं चला जाए, पता नहीं क्या होगा, क्या कह देगा मुझे कॉल करके मैसेज करके, ऐसी कोई एनर्जीज नहीं रखनी है। आपको ये सोचना आएगा तो मुझे कमिटमेंट देगा ही देगा मेरा पार्टनर। टू वांट्स की एनर्जी है यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर। आप अपने पार्टनर से मिले होंगे, आमने सामने अभी भी नहीं मिले हैं। नहीं मिलने का ये कारण क्यों हो सकता है? आपके पार्टनर के दिल दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों, कौन होगा या कौन होगी, ठीक है मैं बुलाऊं मिलूं या नहीं मिलूं, बहुत दूर है, मतलब हो सकता है आप लोग की स्टेट में काफ़ी मतलब दूरियां हों, है ना, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन आपसे मिलने के लिए तो आएंगे, लेकिन उनका ईगो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए यहाँ पर, ठीक है। ऑफ़र करेंगे आपके पार्टनर आपको, बॉटम की एनर्जी जल्दी ही शुरुआत होगी, मतलब यहाँ पर बहुत बहुत जल्दी वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है, थोड़ी स्लो एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। रुकावट सिर्फ आपके पार्टनर का ईगो है, ठीक है।
तो जब भी आप टेक्निक यूज़ करते हैं उसमें अपने पार्टनर का ईगो भी आप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही हमारी आपके लिए आज की रीडिंग, आई होप आप सभी को पसंद आई। ऊपर वाले करें आप सभी के पार्टनर का गुस्सा एंड ईगो ख़त्म हो जाए, जल्दी आके आपको आपके साथ रीयूनियन करें, आपको प्यार ऑफर करें, ओके। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।